guys, welcome back to my channel Makeup Shakeup. That's me, Nitika. So guys, आज हम लेकर आए हैं एक ग्लैम अप के साथ मेकअप लुक. आज का जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो ग्लैम अप के साथ ही किया है. एंड आई वॉज सो नर्वस, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा टर्न आउट होगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि ग्लैम अप के साथ यार वाकई में बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट है. और इसके साथ आप मेकअप लुक अचीव कर सकते हो, वाकई में कर सकते हो. आप डेली का मेकअप कर लो, चाहे पार्टी वेयर कर लो, लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मुझे एक पार्टी वेयर मेकअप लुक करना है. तो आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा पार्टी वेयर मेकअप लुक मैंने अचीव किया है सिर्फ ग्लैम अप के साथ. नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, नो बीबी क्रीम, नो सीसी क्रीम, नथिंग, ओनली ग्लैम अप. तो ये वाला मेकअप लुक अगर आप देखना चाहते हो मैंने कैसे अचीव किया है सिर्फ ग्लैम अप के साथ, देन कीप ऑन वॉचिंग. तो चलिए गाइज, अब मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे कप्स एंड लैशेज का ग्लो टोनर. ये काफ़ी अच्छा टोनर है, मैं इसको काफ़ी देर से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है. और इसका पूरा डिटेल रिव्यू मैंने किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो. ओके, तो टोनर अब मेरा हो चुका है. टोनर के बाद मैं यूज़ करूँगी सेम कप्स एंड लैशेज का ग्लो सिरम. ये भी मेरा करंट फेवरेट है, मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है. और इसका भी मैंने डिटेल रिव्यू किया है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लॉसम कोचर का अरोमा मैजिक. ये है विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल. ये भी मैं अभी काफ़ी कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ, और इसमें है SPF 30 जेल बेस्ड, एक तरह का मॉइस्चराइजर ही है और काफ़ी ज़्यादा लाइट है स्किन पे. क्योंकि इसमें SPF 30 है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज हम मेकअप करने वाले हैं ग्लैम अप के साथ. तो मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और एक तरह से लाइक मेकअप के लिए तैयार हो जाती है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी. तो गाइज, अब आप देख सकते हो मेरी स्किन काफ़ी अच्छे से प्रेप हो चुकी है. ठीक है, ये एक रूल है, जब भी आपको मेकअप स्टार्ट करना है, चाहे आप सिंपल भी मेकअप कर रहे हो, अपनी स्किन को प्रेप जरूर कीजिए. कुछ नहीं लगाना तो आप कम से कम मॉइस्चराइजर तो ज़रूर लगाइए. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेन है ये है ग्लैम अप. इसको मैं ट्राई करूंगी आज मेकअप के लिए. अगर आप सिंपल मेकअप करना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेकअप वाली फीलिंग नहीं चाहिए, और वैसा वाला लुक नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे फुल कवरेज फाउंडेशन लगा रखा है, और अगर आपको फाउंडेशन ही लगाना पसंद नहीं है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, मॉइस्चराइजिंग है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देती हूँ इसकी ये किस तरह से दिखता है, क्योंकि ये पंप के साथ आता है तो कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना. तो इस तरह की इसकी आता है ये, ठीक है, क्रीम बेस्ड, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है. तो मैं आपको करके दिखाती हूँ. सिर्फ आपको एक ही पंप लेना है और अपने पूरे फेस पे इसको डॉट 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 करके लगा लेना है. तो गाइज, अब हमारा हो गया है ग्लैम अप, और चलो अब हम करेंगे इसको सेट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ लगाया है. तो इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसमें है SPF 50, क्योंकि एज यू ऑल नो अब समर्स आ गई हैं तो हमें SPF का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. और इसको लगाने के लिए मैं लूँगी एक फ्लफी ब्रश. ओके, ऑल डन. अब मेरा मेकअप भी सेट हो चुका है, बेस मेकअप हमारा हो गया है, और अब मैं करूँगी अपना आई मेकअप. और आई मेकअप से भी पहले मैं करूँगी अपने आईब्रोज फिल, और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करूँगी मेरी करंट फेवरेट NYB की, ये है आईब्रो पेंसिल. लेकिन इसके साथ कोई भी आपको स्पूली ब्रश कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं अगर आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. 50 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाती है NYB की ये पेंसिल, आईब्रो पेंसिल. बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड, अच्छी वाली पिगमेंटेशन है इसकी, आईब्रोज बहुत अच्छे से फिल करती है. तो मैं इसको आजकल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ. तो अगर आपके पास अलग से स्पूली है या ब्रश है आप उसके साथ इसको सेट कर सकते हो, अदरवाइज प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा मुझे.
और आई शेडो पैलेट आज मैं यूज कर रही हूँ मेरी SFR की. बहुत देर से मैंने इसको यूज नहीं किया है. ये मैंने XOXO लैशेस से, मेरी फर्स्ट SFR मिनिएचर पैलेट से, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. और इनकी इंडिविजुअली मैंने 3 शेड्स खरीदे थे और तीनों का रिव्यू मैंने किया है मेरे चैनल पे. अगर आप नहीं देखा है आप चेकआउट कर सकते हो. ये वाली आई शेडो पैलेट तो शायद अभी अवेलेबल नहीं होंगी XOXO लैशेस पे, लेकिन इस तरह की पैकेजिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरह के सेम कलर कॉम्बिनेशंस वाले बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स हैं. अंडर 200 रुपीज आपको आराम से मिल जाएंगे, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो. SFR की आई शेडो पैलेट्स की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा अच्छी है. लाइक बहुत अच्छे अच्छे जो हाई एंड ब्रांड्स है ना, उनको कम्पीट कर सकता है ये SFR की आई शेडो पैलेट्स. तो मैं अब ले रही हूँ ये वाली आई शेडो पैलेट और इसमें से मैं लूंगी ये वाला ब्लू शेड और इसको मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी. तो आप देख सकते हो मेरा क्रीज हो चुका है. और सेंटर के लिए मैं यूज करूंगी ये वाला ग्रीन शेड, काफी मिलता जुलता है मेरी ड्रेस के साथ. तो मैं इसको लगाऊंगी एक आई शेडो ब्रश की हेल्प से और इसको हम लगा लेंगे अपने सेंटर में. वाओ, लुक एट द पिगमेंटेशन. ओके, मैं आईज आर डन. अब मैं क्या करूंगी, एक क्लीन ब्रश लूंगी और उसकी हेल्प से मैं इसको सारी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए. तो गाइज अब आ रही है मेरे आई लाइनर की. और आई लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ XOXO लैशेस का ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, ये आई लाइनर है. और इसका जो मेरा शेड है वो है इवोल्यूशन. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन शेड और इसको मैं लगाऊंगी अपने आईज के ऊपर और एक अच्छा सा आई लाइनर क्रिएट करते हैं. तो ठीक है गाइज, अब मैं आती हूँ मेरा सेकेंड आई मेकअप लुक करके. तो गाइज अब आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है. लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देने की सोची है. मेरे पास है ये XOXO लैशेस का गोल्ड आई लाइनर. एज यू कैन सी मैंने जो सेंटर में आई कलर ऐड किया है ना, मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर ऊपर थोड़ा सा ये गोल्ड आई लाइनर लगाऊं ताकि थोड़ा सा एक विजुअल इफेक्ट आए और एक बहुत ही खूबसूरत लगेंगी मेरी आईज और ज्यादा. तो मैं इसको ऐड करूंगी अपने ग्रीन आई शेडो के साथ साथ. तो गाइज एज यू कैन सी मेरी आईज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं इस आई गोल्ड आई लाइनर के साथ. आप बहुत सारे वेराइटी ऑफ आई शेडोज क्रिएट कर सकते हो. आप चाहे तो इसको सिर्फ एज आई लाइनर यूज कर सकते हो या इस तरह से आई शेडो क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने किया, जिससे आपकी आईज जो है वो और ज्यादा ओपन अप लगेंगी और ज्यादा खूबसूरत लगेंगी. तो अब आई आती है मस्कारा की. और मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैक्स वॉल्यूम प्लस मस्कारा और इसको मैं अपने दोनों अपर एंड बोथ लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूंगी. तो गाइस अब मेरा मस्कारा हो चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ना मेरा यहाँ से लुक जो है वो थोड़ा सा नीट दिखे. तो मैं क्या करूंगी, मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश क्योंकि मुझे थोड़े से फॉल आउट्स भी हुए थे. तो मैं लूंगी दोबारा से ग्लैम अप थोड़ा सा और इसको मैं लूंगी जरा सा इतना सा और इस तरह से यहाँ यहाँ लगाऊंगी ताकि जो मेरा लुक है वो थोड़ा सा नीट दिखे. क्योंकि हम आज कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर नहीं लगा रहे हैं तो हमें इसी के साथ काम चलाना है. तो मेरा हो गया है ये बेस क्लीन, ठीक है. और अब मैं इसको दोबारा से सेट कर लेती हूँ NYB का. फिर से मैं लूंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर और इसके साथ ही मैं इसको अच्छे से सेट कर लूंगी. तो गाइज आप चाहे तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो लेकिन ये मुझे ये करना पसंद है. तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे कॉन्टोरिंग और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का ये कॉन्टोर. ये छोटा मिनी कॉन्टोर है
ये मेरा करंट फेवरेट है और इसको मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ आजकल और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मेरी फेस कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली जो मेरा शेड है वो है 01। तो अगर आप मेरी शेड की हैं तो आप ये वाला कॉन्टूर ट्राई कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल भी है और काफी अच्छा है और ये बिल्कुल मैट है। तो गाइज अब बारी आती है ब्लश की और हाइलाइटर की और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे NYB का ये मिनी आई शेडो, सिंगल आई शेडो एक्चुअली। ये इसका शेड नेम है ग्रैंड टर्मिनल 13। इट्स अ ब्यूटीफुल पीची शेड लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा वाला एक शीन है जो कि एज अ हाइलाइटर भी आप यूज कर सकते हो इसको और एज अ अपनी चीक्स पे भी यूज कर सकते हो एज अ ब्लश। तो आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा आता है उठ के, तो मैं इसी को लगाऊंगी एज अ ब्लश और एज अ हाइलाइटर। ओके तो अब बारी आती है मेरी लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी दिस। आई एम यूजिंग दिस शुगर क्रेयॉन और इसमें मेरा शेड है 01 स्कारलेट ओहारा। इट्स अ ब्यूटिफुल रेड शेड, ये मेरा फेवरेट रेड शेड है। तो जब भी मेरा कोई सिंपल ड्रेस होता है ना तो मैं इस तरह की ब्राइट शेड्स लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाह रही हूँ थोड़े से फॉल्सेस लगाना और फॉल्सेस के लिए मैं यूज करूंगी यहाँ पे नायका के फॉल्सेस। और इसमें मैं जो यूज कर रही हूँ वो है OTT लेंथ, ये पर्पल कलर के हैं, काफी लाइट वेट से हैं और इनकी ग्लू तो बिल्कुल ही बेकार है, आपको पता ही है। मैं इसका डिटेल रिव्यू कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। नायका के लैशेज 199 रुपीस के आते हैं और अगर अभी आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे नायका लैशेज सर्च कर लीजिए, आपको इसका डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। और अभी मैं इसको लगा कर आती हूँ। गाइज कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा आईडी है Nitika_Sawhney_, वहां पे मैं अपने डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।